हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अनन्यास क्रिएटिंग वर्ल्ड में और मेरा नाम है अनुप्रिया और मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ एक DIY पेपर फोल्डर से कहते हैं और ये बहुत ही इजी है, आप इजीली इसे बना सकते हो। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे अभी बस तीन चीज़ों की ज़रूरत है, फेविकॉल, सीजर एंड A4 शीट्स। A4 शीट्स हम किसी भी कलर का ले सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर का लेते हैं। मैंने ऑरेंज और पिंक का कॉम्बिनेशन रखा है और आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप अपने कलर्स यूज़ कर सकते हैं A4 शीट्स के। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो पिंक कलर का A4 शीट है मैंने उसे हाफ कट कर लिया है और उसके बाद मैंने ऐसे इसे फोल्ड कर लिया है। इसका जो हाफ है फिर हम यहाँ से भी इसको कट करेंगे। हम इसे फोल्ड करेंगे जैसे हम फैन फोल्ड करते हैं, उसी तरफ इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। ऐसे हम इसलिए इसको कर रहे हैं ताकि आपकी इजी और एक साइज के फैंस की तरफ फोल्ड हो जाएगा ये। तो इसे हम वापस खोलेंगे, खोलने के बाद ही हमारा ऐसा कुछ दिखेगा। इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करके फैन की तरफ हम इसे बना लेंगे। ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। इसी तरह हम अपना जो दूसरा शीट है उसे भी हम बनाएंगे। हमारा ये दोनों बनके रेडी हो गया है और हम इसे साइड कर लेंगे। और ये जो हमारा A4 शीट्स है इसे हम लेंगे, इसके जो एजेस हैं ये वाले, ये जो एज है इसको हम यहाँ तक जितने भी एक साइड छोड़ के दूसरे साइड में हम सारा ग्लू लगा लेंगे। और आप ये देखो मैंने ग्लू पूरा नहीं लगाया, थोड़ा सा इंच हमने छोड़ा है ताकि यहाँ पे जो हमारा ये जो हमने ये फोल्डर बनाया फोल्ड करके इसको हम यहाँ पे स्टिक करेंगे ऐसे। इसे स्टिक करने के लिए हमने यहाँ पे ग्लू लगाया है। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारा ये ऐसे स्टिक हो चुका है। इसी तरह हम दूसरा साइड भी करेंगे। साइड में भी इसको स्टिक करेंगे सेम जैसे हमने दूसरे साइड में किया है, उसे तो यहाँ पे स्टिक करेंगे। इसको स्टिक करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। और अब जो हमारी ये जो हमारा फोल्ड किया हुआ यहाँ पे है इसको हम इसमें भी हम ग्लू लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे वाले भी हम लगा लेंगे। और जो ये लास्ट है उस पर भी एक बार हम रिपीट कर देंगे इस ग्लू को। इसको स्टिक कर देंगे इसी तरह दूसरे साइड में। फिर ये जो यहाँ पे ब्लू लगा के इसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये हमारा पेपर फोल्डर बन गया है। आप इसमें अपने पेपर्स कुछ भी रख के आप इसे सेव रख सकते हैं। और ये रहा मेरा पेपर फोल्डर। जो मैं अपने फोल्डर को थोड़ा सा डेकोरेट कर लें, ये बहुत प्लेन लग रहा है
तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं इसमें प्रिंटिंग करूँगी, लिव प्रिंटिंग। सो आइए हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये लीव्स लिया है, इसके ऊपर ये मैंने कोई भी कलर से पेंट कर दिया है और इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे रख के इसके इम्प्रेशन को ऐसे लगा दूँगी। ये देखिए इसका प्रिंट बहुत ही खूबसूरत आया है। इसी तरह मैं दूसरा साइड भी कर लूँगी। ये देखिए मैंने दोनों साइड में लिफ्ट प्रिंट कर दिया है और इसे देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसे चाहिए तो इसमें क्विलिंग वर्क कर सकते हैं, कोई भी क्राफ्ट लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं क्विलिंग करके इस पर दिखाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको ये मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद आया हो और ये DIY आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।